अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने एक ज़ुबान में रखे। दोस्तों, सिंध के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीएसटी और जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, जो जॉब्स हैं सिंध गवर्नमेंट की जानब से अनाउंस की गई थी, ऑफिशियली अब आपके जो स्लिप्स हैं पीएसटी और जीएसटी की आ चुकी हैं। ऑफिशियली आईबीएन ने आपकी जो है वो स्लिप्स जारी कर दी हैं। जीएसटी की जो आपका टेस्ट है जो 13 सितंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर आपकी जो स्लिप्स हैं आपकी जारी कर दी गई हैं। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बहुत खुशखबरी आईबीए ने आपके पीएसटी और जेएसटी टेस्ट के हवाले से सुना दी गई है, वो खुशखबरी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, फाइनली जो आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल ऑफिशियल यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्लिप जारी कर दी गई, इसके अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम होगा, उसके बाद एक ब्लॉक्स बनाए गए हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर आपके टेस्ट होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। उसके अलावा सीट नंबर होगा आपका, उसके बाद आपकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टेस्ट की डेट है, उसके बाद आपके जो टाइम है, जो टाइम रखा गया है पहली शिफ्ट का वो रखा गया है 7:30 बजे। बहुत जल्दी है लेकिन हो जाए तो अच्छा है, जल्दी सुबह सुबह होता है तो दिन में गर्मी हो जाती है। तो उसके बाद आपका नीचे जो है वेन्यू लिखा जाएगा। और उसके बाद जो खुशखबरी बड़ी यहाँ पर ये है कि पहले जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा, जिनके 2 डोज़ मुकम्मल होंगे, 1 डोज़ के भी जो है वो नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी सामने आ गई, ऑफिशियली आई बी ए ने बता दिया है कि अब आपकी जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर टेस्ट देने दिया जाएगा या नहीं देना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी स्लिप के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आपको फॉलो करनी होती हैं, उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर आपको मास्क लगाने का ज़रूरी कहा गया है, जो स्टेशनरी है वो लाने को। लेकिन यहाँ पे आपका जो कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि 1 डोज़ का 2 डोज़ का आपको सर्टिफिकेट लाना है या नहीं लाना। इसका मतलब ये है कि अब आप जो है वो अपने वैक्सीनेशन अगर नहीं भी करवाइए, 1 डोज़ भी नहीं करवाया, 2 भी नहीं करवाए, बल्कि वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो आपका टेस्ट होगा और आपको टेस्ट देने से कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर जो है वो रोक नहीं सकता। तो ऑफिशियली यहाँ पर आईबीए ने सुना दिया है, रमूर सारी थी कि आपको वैक्सीनेशन के बगैर नहीं देने दिया जाएगा आपका टेस्ट। तो उसके बाद आपको बताते हैं कि आप किस तरह से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अपने जिसके अंदर अप्लाई किया था, आपको एक आईडी मिली हुई होगी, आपका एनआईसी नंबर जो है, उसके बाद आपका पासवर्ड होगा, वो आप लॉगिन करेंगे। एसटीएस की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर आप जो आपका मेन्यू होता है जिसके अंदर आपकी पूरी अप्लाइड होता है, और उसके बाद वहाँ पर आपको एक डाउनलोड स्लिप्स का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके अंदर लिखा होगा न्यू, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी जो जिस तरह से आपका स्टेटस शो होता था कि आपका एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं हो सकता है, उसी जगह पे आपको डाउनलोड स्लिप का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट करके आप जो है वो उसको अपने पास रख सकते हैं और ये इस तरह से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आपकी ऑफिशियली स्लिप्स आ चुकी हैं और आपका 30 सितंबर से टेस्ट है और कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टेस्ट होगा। तो मज़ीद तफसीलात आती हैं तो अपडेट आती हैं तो आपको शेयर की जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खुशखबरी ये सुना दें जिन जो डर रहे थे कि हमारी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो हमारा टेस्ट नहीं होगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।